अमृत मंथन की कहानी। किसी समय संसार दो जातियों में बटा था, देवता और असुर। वे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते थे। उन्होंने एक दिव्य पेय अमृत का नाम सुन रखा था, जो अमृत प्रदान करने वाला पेय था। जो एक बार इसका पान कर लेता वह कभी बूढ़ा नहीं होता था। अमृत एक छोटे से घड़े में समुद्र के तल में स्थित था। देवता और असुर उसे निकालने के लिए समुद्र को मथना चाहते थे। उन्होंने एक निश्चय किया। सर्पों में सर्वाधिक बलशाली सर्प वासुकी को बुलाकर उन्होंने सागर को मथने में उसकी सहायता मांगी। फिर उन्होंने एक विशाल पर्वत को उखाड़ा और सागर तट पर जा पहुंचे। हे समुंदर, वे बोले, हम दिव्य पेय प्राप्त करने के लिए आपका जल मथने आए हैं। तथा अस्तु, सागर ने उत्तर दिया। फिर वे कच्छ पराज के पास गए और बोले, महाराज, आप हमारी सहायता करें। यदि हम पर्वत को सागर में डालेंगे तो वह डूब जाएगा, परंतु यदि आप उसे अपनी पीठ पर धारण कर लें तो हम सागर का मंथन करके अमृत पा सकेंगे। कष्ट पराज मान गए। वे सागर के तल में चले गए और उनकी पीठ पर पर्वत स्थापित कर दिया गया। वासुकी ने स्वयं को पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसे सिर से पकड़ लिया। इस तरह उन्होंने महासागर का मंथन किया। उनके मंथन करने से भयंकर गर्जना हुई, जिससे पर्वत कांप उठे, पेड़ गिर पड़े, अग्नि प्रज्वलित हो गई और वन के पशु जान बचाकर भागते दिखाई दिए। फिर शीघ्र ही सब कुछ शांत हो गया और समुद्र में से निकला दिखने में अति सुंदर नीला चंद्रमा, जिसने नीले आकाश में अपना स्थान ग्रहण किया। फिर एक सुंदर स्त्री निकली। वह दिखने में इतनी अद्भुत थी कि देवताओं और असुरों ने अपने मुंह लिए, क्योंकि उसका अप्रतिम सौंदर्य उनसे देखा ना जाता था। स्वयं विधाता उसे संसार की माता बनाने के लिए स्वर्ग के महल में ले गए। उस स्त्री के बाद एक अनोखा सफेद घोड़ा निकला। फिर ऐसे रतन जो कभी किसी ने ना देखे हों, ये सब देवताओं ने बांट दिए गए। जब एक सफेद बर्तन में अमृत निकला तो असुरों ने उसे पकड़ लिया और बोले, आपने सब कुछ ले लिया, यह हमें मिलना चाहिए। देवता डर गए, अतः विधाता ने एक सुंदर युवती को भेजा, जिसने असुरों के समक्ष इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया कि वे अमृत को तो भूल ही गए। जब वह अदृश्य हो गई तब असुरों ने जाना कि उनके साथ धोखा हुआ है और गुस्से से उन्होंने बड़ा कोहराम मचाया। असुरों में से एक राहु देवता का भेष बनाकर देवताओं के बीच अमृत का घूट पीने जा बैठा, पर जैसे ही उसने एक घूट पिया उसे पहचान लिया गया। उसके अमृत निगलने से पूर्व ही उसका सिर काट दिया गया। अब ये तो सूर्य व चंद्रमा ही थे जिन्होंने यह सब कुछ देखा था, और राहु को चुपके से देवताओं में शामिल होते हुए भी देखा था। जब राहु का सिर काटा गया वह आकाश में उड़ गया, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था और अमर हो गया था। जब कोई तुमसे कहे कि ग्रहण लग रहा है तो तुम समझ जाओ कि यह राहु ही है जो सूर्य या चंद्रमा को निगलने का असफल प्रयास कर रहा है। और ऐसी ही कहानी पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।